सो आज हम देखने वाले हैं ईयरिंग्स हॉल, जो कि राखी के लिए बहुत काम आने वाला है आपके। तो इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये ब्यूटीफुल से फ्लावर वाले ईयरिंग्स, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इसको आप वेस्टर्न और एथनिक दोनों पे ही कैरी कर सकते हैं। बहुत प्यारा है, प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है साइड में, आप चेकआउट कर लेना। और ऑल्सो ये बहुत बजट में भी है। अगला देखते हैं, अगला है भाई ये एलिगेंट सा झुमकी, जो कि यह मल्टी कलर में बहुत प्यारा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है पहनने के बाद। यू कैन सी 169 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ है, और ये आप किसी भी कुर्ती पे पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लुक आने वाला है इसका, डेफिनेटली आपको परचेज करना चाहिए। अगला देखते हैं ओपन करके, इसमें भी अगेन झुमकी है। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ये पहनने के बाद। तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे ईयरिंग्स आ रखे हैं। मीशो मुझे ईयरिंग्स के लिए ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतने सस्ते सस्ते ईयरिंग्स मिलते हैं, और ये ईयरिंग्स अगर आप बाहर लेने जाते हो तो थोड़ा से कॉस्टली मिलते हैं। तो यहाँ पे अंडर 200 आपको अच्छा खासा वेराइटी मिलने वाला है, अगर आप रक्षाबंधन के लिए सर्च कर रहे हैं तो। मेरे से जितना अच्छा हो सका मैंने पिक किया है। नेक्स्ट ओपन करते हैं, ये है 200 समथिंग का पैकेट, और प्राइस मैंने आपको साइड में मेंशन कर दिया, आप चेक कर लेना। इसकी क्वालिटी सही बताऊं तो मुझे पसंद नहीं आई ज़्यादा, क्योंकि इसका जो मेटल है अजीब सा ही है, चुभ सा रहा है कानों में। मेरे कान में बहुत दर्द भी हो रहा है इसकी वजह से, नॉट गुड। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये कान में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, डेफिनेटली मैं इसको नहीं रखने वाली। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका पेंट साइड से छूटा हुआ है, बहुत बेकार है। नेक्स्ट ओपन करते हैं, वाओ इसमें बहुत प्यारे ईयरिंग्स रिसीव हुए हैं ये वाले। ये जैसा दिखाया था मुझे तो लग रहा है उससे बेटर क्वालिटी दिख रही है इसकी सामने से। और इन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी दी है, लेट्स सी, आई डोंट नो इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। इन्होंने कुछ काला धागा दिया है और उसमें एक कछुआ दिया है, सो मुझे नहीं पता इसको कहाँ यूज़ करना है, सो मैं एज इट इज़ रख देती हूँ इसको और आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। वाओ इसको पहनना मुझे थोड़ा सा टास्क लगता है, आई डोंट नो ये कहाँ फंस गया। उप्स, बहुत मशक्कत के बाद मैं इसको पहन पाई, ये आ ही नहीं रहा था मेरे कान में। और ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। नेक्स्ट भी ये शायद बाली ही है, और इसमें मैंने एक पेयर ऑर्डर किया था और इन्होंने दो पेयर भेजे हैं मुझे, तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे इनकी। चलो ट्राई करके दिखाती हूँ मैं इसको जल्दी से। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि मतलब असली फूल लटके हों इसमें, लिटरली बहुत सुंदर लग रहा है। ये देख लो इसका भी फाइनल लुक, और ये बिल्कुल ही शकुंतला वाला लुक दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है रियल फ्लावर मैंने अपने कानों में लटकाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। अगला तो मैंने ओपन ही नहीं किया, तो चलो इसको जल्दी से ओपन करते हैं कि इसमें कैसा वाला आया हुआ है ईयरिंग्स। वाओ ये भी काफ़ी सुंदर आया है, और इसका पैटर्न भी काफ़ी यूनिक है, इसको बंद ना करो ना तो भी अच्छा लग रहा है ये। यू कैन सी ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये कैजुअल पे जाने वाला है, बहुत हल्का फुल्का। जिन लोगों को हैवी ईयरिंग्स पहनने पसंद नहीं होते ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें के बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल थे, अगर आपको कोड चाहिए तो मुझे कॉमेंट करना, मैं मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इसको भी अभी मैंने ओपन नहीं किया है, ये भी सेम ही पैटर्न में है जो आपने अभी पिछला वाला देखा। टेप लगा दिए, आई गेस ये ज़्यादा खूबसूरत है। और ये देखो ये भी कितना सुंदर लग रहा है, ऑल ओवर इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। इसमें मैंने मंगवाया है बैंगल्स, जो बहुत अच्छे लगे थे मुझे, क्योंकि मुझे चकोर शेप के बैंगल्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं इसको। ये ज़्यादा प्राइस का नहीं है, सस्ता ही है, मेंशन कर दिया है मैंने आपको। काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं ये वाले बैंगल्स, और मुझे ट्राई करना था इसको। सो हल्के से मेरे पे लूज हैं, बट ठीक है, ऑल ओवर प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है, मैं राखी पे डाल सकती हूँ इसको। नेक्स्ट ओपन करते हैं,
भाई ये इयरिंग्स बहुत महंगा पड़ा है मीशो के हिसाब से। ये 250 रुपये का इयरिंग्स है, एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है, मैंने मेंशन किया है बट ऐसे ही समथिंग का है। पर वो कहते हैं ना कि जब चीज़ अच्छी हो तो पैसा वसूल हो जाता है एकदम, वो वाली बात है इसमें। और ये बहुत सुंदर इयरिंग्स है, झुमकी है ये लिटरली, मतलब मुझे सबसे अच्छा जो इयरिंग पसंद आया वो यही था। मेरे कान दर्द हो गए, यू कैन सी ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस पर। अगला देखते हैं, अगला है ये क्यूट सा काइट वाला इयरिंग। इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा मुझे, चलिए मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ। आई गेस सो मैंने सही पहना है इसे, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना यार, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसको कैसे पहनना है, इसको बाल में फंसाना है या यहाँ फंसाना है, आई डोंट नो। बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब यहाँ पहन के भी अच्छा लग रहा है और अगर बालों में भी फंसाना चाहूँ तो उसमें भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करना कि आपको कौन सा वाला इयरिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चलो गाइस, होप यू एंजॉयड, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।